रिस्किंग योर एंटायर करियर, तो आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या AI एंड ML वर्थ द हाइप भी है कि नहीं। सब लोग आजकल कह रहे हैं कि यार AI ML पे स्विच कर जाओ, AI ML को सीखो। मशीन लर्निंग इन 2024 फोकस मोस्टली ऑन AI मशीन लर्निंग। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा ट्विस्टेड ओपिनियन देने वाला हूँ। उस वीडियो में आप लोग को समझाऊंगा कि क्यों AI ML आपके करियर के लिए, आप जिस करियर पॉइंट पर हैं, शायद सही नहीं भी हो सकता है, और हो सकता है तो कितना अच्छा हो सकता है, इस बारे में आज बात करेंगे। Should you switch your current job? Should you be starting from scratch? इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब यार देखो, मैं स्टार्ट करूंगा एक ऐसी बात बोलकर जो कि शायद आप लोगों को थोड़ी सी अटपटी सी लगे। लोग ऐसा नहीं बोल रहे हैं, और मैं कहूंगा कि यार अगर आप लोग अपने डोमेन में सक्सेसफुल हो तो इट्स नॉट वर्थ स्विचिंग एंड रिस्किंग योर एंटायर करियर जो कि आप कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपकी एक्सेल, यस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इतनी बढ़िया है कि आप काम कर रहे हो किसी बहुत बड़ी कंपनी में एज अ डेटा एनालिस्ट। भले ही आप जाते हो जॉब पर, एक्सेल चलाते हो, एक्सेल के कॉम्प्लेक्स फंक्शंस चलाते हो, शीट्स बना बना कर देते हो और अच्छा पैसा कमा रहे हो, तो क्या आप लोगों को उसको रिस्क करके AI ML के इंटरव्यूज देने चाहिए सिर्फ इसलिए कि यार शायद मुझे अच्छी जॉब मिलेगी या मेरा फ्यूचर बेटर हो सकता है क्योंकि यार AI आ गया है, तो AI कहीं मेरी एक्सेल वाली जॉब ना ले ले, तो यार मुझे तैयार होना चाहिए AI ML के लिए। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो AI है एट दिस पॉइंट आपकी जॉब को संपूर्ण रूप से नहीं खा सकता, और इसका एक बहुत बड़ा सॉलिड रीजन है कि जो AI है वो सिंपली इंटरपोलेशन कर रहा है, एक एडवांस लेवल का इंटरपोलेशन कर रहा है। उसको सिर्फ इतना पता है जितना डेटा उसने देखा है, और जो उसने नहीं देखा उसको नहीं पता है। वो इनोवेटिव चीजें नहीं कर सकता। आप शायद इनोवेटिव शीट्स वगैरह बना सकते हो, वो नहीं बना सकता। तो 100 बात की एक बात यहां पर ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप सक्सेसफुल हो अपने डोमेन में, मैं सजेस्ट नहीं करता हूं कि आप लोग स्विच करें। हाँ, साइड लर्निंग इज ऑलवेज गुड, लेकिन आप ये सोच से जाएं AI ML की फील्ड में कि यार मुझे अपने करंट काम को छोड़कर यही करना है, तो दैट माइट नॉट बी वर्थ इट। अगर आप लोग मान लो एक्सेल कर रहे हैं, ठीक है, या फिर मान लो आप लोग पाइथन कर रहे हैं, तो आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है अपने आप को अपस्किल करने का, अपने आप को इम्प्रूव करने का। अगर आप लोग 18 है, 20 साल 22 साल के भी हैं, तो लगता है, ऐसा फील होता है, अरे मेरे पास तो बहुत टाइम है, मैं तो करता रहूंगा। लेकिन टाइम कैसे चला जाता है और जिम्मेदारियों का बोझ कितनी जल्दी आपके कंधों पर आने वाला है, ये शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। आपके पास जो लिमिटेड टाइम है उसमें आपको बेस्ट करना है, और उसमें अगर आप लोग बेस्ट करना चाहते हो तो अपने इस लिमिटेड टाइम को बहुत अच्छी तरह से यूज करना है। अब अगर ऑलरेडी आपके पास एक ऐसी स्किल है जिसमें आपको मजा भी आता है और उसकी डिमांड भी है और उसकी अच्छी सैलरी भी मिल रही है आपको, और आपको पता है कि यार मैं इसमें बहुत अच्छा हूं, फॉर एग्जांपल आप गेम डेवलपमेंट करते हो, आप गेम खेलते भी हो, आपको पता है कि भाई इस चीज में मैं इतना अच्छा हूं ना कि मैं इस काम को बिना पैसों के कर सकता हूं, मजा भी आता है मुझे, और मैं इतना बढ़िया हूं, इसीलिए मैं इतना बढ़िया हूं क्योंकि मैं इस काम को कर सकता हूं बिना पैसे कमाए भी। अगर वो एक्साइटमेंट नहीं है ना किसी भी फील्ड में, यहां पर मैं AI ML की बात नहीं कर रहा हूं, तो आप लोगों के लिए सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आप लोग वर्क एंजॉय नहीं कर रहे हो तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आप लोग को AI ML को सुनकर, सीख कर, यूज करके उस लेवल की एक्साइटमेंट नहीं आ रही है, वो आग नहीं आ रही है अंदर से, तो शायद आप लोगों के लिए AI ML नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ राइडिंग द बैंड वैगन, मैं कहूंगा कि आपको जो अच्छा लगता है वो करो, और करियर ऑप्शंस को रूल आउट मत करो। यहाँ पर डेफिनेटली AI और ML काफी बढ़िया करियर ऑप्शन दिखाई देते हैं क्योंकि बहुत अच्छी सैलरीज मिल रही हैं, डिमांड डेफिनेटली बढ़ने वाली है, नो डाउट। आने वाले टाइम में AI इंजीनियर्स की कमी होने वाली है, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की कमी होने वाली है। लेकिन एक बात और आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग अपने आप को AI ML इंजीनियर कहते हैं जस्ट बाय यूजिंग ChatGPT, जस्ट बिकॉज कि उनको प्रॉम्प्ट्स आते हैं ChatGPT के, या फिर उन लोगों को पता है कि कौन सा AI टूल क्या करता है, वो कहते हैं यार भाई हम तो AI ML इंजीनियर्स हैं। इंजीनियरिंग ये नहीं होती है, इंजीनियरिंग होती है कि आप समझें वो चीज कैसे काम कर रही है, आप लोग सही टूल को सही प्रॉब्लम पे लगाएं, सही सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके अपनी बिजनेस प्रॉब्लम में फिट कर पाएं, ये इंजीनियरिंग होती है। और इसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मैथ सीखनी पड़ेगी, आप लोगों को ग्रेडिएंट डिसेंट सीखना पड़ेगा, जो कि शायद आपको बोरिंग लगेगा। किसी पर्सन ए के फेस में पर्सन बी का फेस लगा के उसकी आवाज चेंज करके हम लोग को बड़ा मजा आता है, हम कहते हैं यार ये है AI ML। लेकिन जो उसके बिहाइंड मैथमेटिक्स होती है, जो उसके बिहाइंड प्रोसेस होती है, वो शायद आप लोगों को बहुत ज्यादा बोरिंग लग सकती है, और आप लोग को भी कहीं ना कहीं लग सकता है अरे यार ये कौन करेगा, ये मेरे लिए नहीं है। तो जो एंड रिजल्ट है वो तो एक्साइटिंग है AI ML का, लेकिन वो जो प्रोसेस है जिससे एंड रिजल्ट आता है, इज इट इंट्रीगिंग यू इज द क्वेश्चन, क्या वो आपके अंदर वो एक्साइटमेंट जगाता है। अब गाइस, अगर आप लोग तलाश में हैं स्टेप बाय स्टेप AI ML के कोर्स की, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा सिंपली लर्न के AI एंड मशीन लर्निंग के कोर्सेज। आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप मशीन लर्निंग और AI सिखाते हैं। अगर आप लोग एक बिगिनर हैं तो मैं इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर का प्रोग्राम आप लोग को रिकमेंड करूंगा, जिसमें आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा AI सिखाया जाता है। ये एक बिगिनर्स के लिए प्रोग्राम है,
और सिंपली लर्न की जो स्विच अप कोर्स रिपोर्ट और ट्रस्ट पायलट पर रेटिंग है वो काफ़ी बढ़िया है। आप लोगों को इस कोर्स के अंदर एक्सक्लूसिव हैकेथॉन्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के द्वारा इनसाइट्स, उसी के साथ साथ आप लोगों को लाइफ टाइम एक्सेस इनके सेल्फ पेस्ड कॉन्टेंट का मिल जाता है। फिर उसी के साथ साथ आप लोगों को अपना AI इंजीनियर सर्टिफिकेट भी मिलता है, विच कैन बी अ ग्रेट एडिशन। आप लोग अगर इनके लर्निंग पाथ को देखें जिसमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सिखाई गई हैं, आप लोगों को पाइथन प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग यूजिंग पाइथन, और उसके बाद आप लोगों को इलेक्टिव्स के साथ इस कोर्स को कंप्लीट कराया जाता है। जनरेटिव AI, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ChatGPT, डेटा रैंगलिंग जैसी स्किल्स आप लोग सीख सकते हैं, वो भी 15+ टूल्स के साथ। इसके लर्नर रिव्यूज़ काफ़ी बढ़िया हैं और ईजी फाइनेंसिंग ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाते हैं। अगर आप लोग इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और आप ऑलरेडी हैंड्स ऑन AI ML प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा ये वाला प्रोग्राम जो कि Gen AI पे फोकस्ड प्रोग्राम है। ये थोड़ा सा डेटा साइंस सेंट्रिक प्लस Gen AI सेंट्रिक प्रोग्राम है, तो इसका आप लोग चेकआउट ज़रूर करना। इस प्रोग्राम के एडवाइजर्स इंडस्ट्री के रेनॉन्ड एक्सपर्ट्स हैं। AI एंड मशीन लर्निंग की डिमांड बढ़ती जा रही है और बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि Amazon, Netflix, Google, Microsoft AI और मशीन लर्निंग के डोमेन में हायर कर रही हैं। कोर्स के लर्नर रिव्यूज़ को अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया हैं, तो इस कोर्स को आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। अब अगर आप लोग ये Gen AI एंड मशीन लर्निंग वाला कोर्स कर रहे हैं तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे जरूर नजर मारिएगा। इसमें बैचलर्स डिग्री विद एन एवरेज ऑफ 50% ऑफ हायर मार्क्स आप लोगों को चाहिए एनरोल होने के लिए। मैथमेटिक्स एंड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, प्लस 2 साल से ज़्यादा का फॉर्मल वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो हाँ, ये प्रोग्राम थोड़ा सा एडवांस लेवल का है और अगर आप लोग ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो ये आपके लिए उचित प्रोग्राम हो सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं सारी डिटेल्स डाल दूंगा, आप लोग चेकआउट जरूर करना। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ सॉलिड रीजंस जिसकी वजह से आप लोगों को AI ML में डेफिनेटली स्विच करना चाहिए, अगर जो क्राइटेरिया मैंने फर्स्ट हाफ ऑफ द वीडियो में बताया वो आप लोग सेटिस्फाई करते हैं और अगर AI ML की प्रोसेस आप लोग को वो एक्साइटमेंट देती है। तो सबसे पहली चीज है हाई डिमांड बढ़ने वाली है। दूसरी है लुक्रेटिव सैलरीज, काफी बढ़िया सैलरीज है भाई AI ML में और आने वाले टाइम में ये बढ़ने वाली है। रीजन क्या है? डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम होती है, प्राइस बढ़ता है, ये बेसिक इकोनॉमिक्स है। फिर एक और चीज़ ये है कि आप लोगों के लिए एक और करियर पाथ खुल जाता है और इसमें काफी डाइवर्सिटी है, जैसे कि आप लोग AI में भी इमेज AI पर काम कर सकते हो, ऑडियो AI पर काम कर सकते हो, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर काम कर सकते हो, या फिर आप लोग AI असिस्टेड टेस्टिंग फील्ड में काम कर सकते हो। तो AI आजकल ऑलमोस्ट हर फील्ड में लग रहा है, तो आप अपनी फील्ड को पकड़ के उस पर AI अप्लाई कर सकते हो। और मैंने हमेशा से ये बात कही है कि जब 2 स्किल्स मिलकर कोई इंसान रखता है तो वो बहुत ज्यादा अनकॉमन होती है और उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग एक वीडियो एडिटर हैं एंड एट द सेम टाइम आप लोग एक कोडर भी हैं, तो आपकी डिमांड ज्यादा है क्योंकि आप लोग कोडिंग वाले वीडियोस को एडिट कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। एट द सेम टाइम अगर आप लोग एनिमेटर हैं और आप लोग एक साइंटिस्ट भी हैं, मतलब साइंस की समझ भी रखते हैं आप, तो आप लोग उस लेवल के एनिमेशंस बना सकते हैं और जिसके साथ आप लोग काम करेंगे इन एनिमेशंस को बनाने के लिए, शायद उसको आप लोगों को बहुत ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा, तो आपकी डिमांड बढ़ेगी क्योंकि यू आर कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग दोज एनिमेशंस, और ऐसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल होगा। तो जाहिर सी बात है आप लोग की डिमांड बढ़ेगी, आपकी सैलरी अच्छी होगी, ऑल दैट कम्स नेचुरल। फिर AI फ्यूचर प्रूफ है। यस, इट इज फ्यूचर प्रूफ क्योंकि टाइम के साथ जैसे जैसे AI इवॉल्व हो रहा है और जिस तरह से AI की एप्लीकेशन ऑलमोस्ट हर फील्ड में आ रही है, मेरे हिसाब से इट विल टेक एटलीस्ट अनदर 20-30 इयर्स टू इम्प्लीमेंट AI ग्रेजुअली अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज। 1 साल में 2 साल में या रातों रात हम लोग AI सब जगह अप्लाई नहीं कर सकते। आपके घर के पास वाली किराने की दुकान हो या आपके नियरेस्ट हाईवे पर जो इंडस्ट्री है वो हो, सब AI की मदद से बेटर हो सकती है। और इस तरह के AI की एप्लीकेशन के साथ अगर हम लोग चीजों को इंप्रूव करना आज स्टार्ट करते हैं तो इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट एंड यू कैन बेनिफिट फ्रॉम इट अगर आप लोग AI ML की फील्ड में नॉलेज रखते हैं। तो फिर एक और चीज ये है कि आप लोग चैलेंज रह सकते हैं हमेशा। देखो, AI ML ऐसी चीज नहीं है कि आपने आज कर लिया और कल आप लोगों ने अप्लाई करना शुरू कर दिया, नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये चेंजिंग फील्ड है, आज आपने एक चीज अप्लाई करी, कल कुछ और नई चीज आ गई, परसों कुछ और नई चीज आ गई, 10 साल के बाद हमें नहीं पता क्या क्या हो सकता है। वी नेवर नो, मे बी एक ह्यूमनॉइड बनाना बहुत आसान हो जाए, मे बी हमारे साथ 5-6 ह्यूमनॉइड्स काम कर रहे हो, वी नेवर नो यार। तो ये फील्ड बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है, चैलेंजिंग तो है, एक्साइटिंग भी है। डेली आप लोग चैलेंजेस फेस करेंगे और आप लोग नई नई चीजें सीखते रहेंगे इंप्लीमेंट करने के लिए, इवन इफ यू आर वर्किंग एज अ प्रोफेशनल। अनलाइक एक्सेल या फिर Power BI या फिर और जो जॉब्स होती हैं जिसमें आप एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सीख लेते हो या फिर एक पर्टिकुलर स्किल सीख लेते हो और उस स्किल को लगाते रहते हो ओवर इयर्स विदाउट लर्निंग या विदाउट हैविंग टू लर्न एनीथिंग न्यू, AI में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एवर चेंजिंग फील्ड है, नई नई चीजें आती रहती हैं, एक टाइम
डेवलपर जो चैट जीपीटी की एपीआईज यूज किया करते थे वो लामा के फ्री मॉडल्स को होस्ट करके यूज करते हैं जस्ट टू सेव कॉस्ट। तो ऐसे में अगर आपको नहीं पता कि भाई लामा के फ्री मॉडल्स भी आ गए हैं तो आप इंडस्ट्री में टाइम के साथ रेलेवेंट नहीं रहोगे। तो हाँ, एवर चैलेंजिंग फील्ड है, विच मीन्स कि जो सीखेगा, जो आगे बढ़ता रहेगा, उसके लिए ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। अगर आप लोग एआई एंड मशीन लर्निंग सीखकर इंडस्ट्री के अंदर काम करते हो तो यू विल बी शेपिंग द फ्यूचर, यू विल बी इंपावरिंग इनोवेशन। आप लोग इनोवेट करेंगे चीजों को, नई नई चीजों को लेकर आएंगे। आजकल फोन्स में बहुत अच्छे अच्छे एआईज आ गए हैं, तो ऐसे में काम करने के लिए, सबको इंजीनियर करने के लिए उन लोगों को जरूरत पड़ेगी एआई एमएल इंजीनियर्स की। तो देखो यार, डिमांड तो है और एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा लोगों में बना हुआ है और मजा भी आएगा इस तरह के काम को करने में। ये एक रेवोल्यूशन है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, बट अगेन जो मैंने बात फर्स्ट हाफ ऑफ द वीडियो में बताई उसको ध्यान रखते हुए आप लोग ज्वाइन करें इस रेवोल्यूशन को। पोटेंशियल इसका लिमिटलेस है, आपको आज से 5 साल के बाद बहुत हैवी रिवॉर्ड मिल सकता है इफ यू आर पार्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन। अगर आप लोग पिछले 5 साल से एआई कर रहे हैं तो आज आपकी डिमांड बहुत ज्यादा है। एआई इंजीनियर एक ऐसा रोल है कि अगर आप लोगों को सही से चीजें आती हैं, इफ यू नो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू विल डेफिनेटली एक्सेल। अगर आप लोग कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बना देते हो कि भाई देखो मैंने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, कंपनी को बताते हो, दे विल डेफिनेटली हायर यू, क्योंकि जो आपने उस प्रोजेक्ट्स में किया हुआ है वही वो अपने प्रोडक्ट में इंटीग्रेट करवाना चाहती है कंपनी। तो आप लोग को डीएसए आता है या फिर आप लोगों को किताबी चीजें बहुत ज्यादा आती है, नहीं आती है, शायद कंपनी के लिए, एआई के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता रहा हूँ, शायद कंपनीज के लिए उतना रेलेवेंट ना रहे। सो या आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो और आप लोगों को इनफ मोटिवेशन मिला हो इस वीडियो को देखने के बाद एआई को करने या स्लैश ना करने के लिए परस्यू। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।